नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन लिए, 1 कप घी, 1.5 कप बूरा, ड्राई फ्रूट्स पाउडर, खरबूजे के बीज, कटी हुई पिस्ता, 2 इलायची। फ्राई पैन गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे घी। घी को हम थोड़ी देर के लिए मेल्ट होने देंगे। घी गर्म हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन को हम धीमे गैस पर भून लेंगे। अगर हमें घी कम लगे तो हम बेसन में थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे, एक बार में घी नहीं डालेंगे। अब हम बेसन में थोड़ा सा और घी डालेंगे। हमें बेसन में अभी भी थोड़ा घी कम लग रहा है, हम इसमें थोड़ा सा और घी डालेंगे। अब हम बेसन को धीमी आंच पर भूनते रहेंगे। चलाते रहना है बिल्कुल, नहीं तो नीचे से लग जाएगा। हमें बेसन को इसी तरह चलाते रहना है। हम बेसन में थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे ताकि हमारा बेसन में थोड़ा सा दानादार बन जाए। आप देख सकते हैं हमारा बेसन बिल्कुल दानेदार हो गए हैं और अच्छी तरह भून चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, लेकिन हम ऑफ करने के बाद भी 2 मिनट तक इसे चलाते रहेंगे क्योंकि पैन गर्म होती है। अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो बेसन जल सकता है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। अब हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स पाउडर। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ठंडे होने के लिए रख देते हैं। हमारे बेसन ठंड हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे बूरा। अब हम बूरे को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारे बूरा मिक्स हो चुका है, अब हम इसे किसी बर्तन में उतार लेंगे। हमने बेसन को किसी अलग से बर्तन में उतार लिया है, अब हम इसे जमने के लिए 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं हमारे बेसन बिल्कुल सेट हो गई है। अब हम इसे मनचाहे आकार में काट लेंगे। आप किसी भी आकार में काट सकते हैं। आप देख सकते हैं तैयार है हमारे बेसन की बर्फी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।